जैन प्रदूषण पर्व के समापन पर परंपरा अनुसार जैन समाज द्वारा श्री जी की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा अपने परंपरागत मार्ग सिटीनल से पुराना थाना टाकीज तिराहा सराफा बाजार घंटाघर होते हुए राय चौराहा से नसिया जी मंदिर परिसर पहुंची। रास्ते में जगह जगह आरती करके रंगोली सजाकर शोभा यात्रा श्री जी की अगवानी की गई। इस दौरान धर्मध्वजा के साथ सैकड़ों की संख्या में जैन समाज के श्रावक जन शोभा यात्रा में शामिल होते हुए चांदी के विमान में श्री जी के साथ में श्रावक जन विमान को खींचते हुए चल रहे थे। यह शोभा यात्रा नसिया जी परिसर पहुंची, जहां पर जैन समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान भी समाज के श्रेष्ठ श्रावक जनों की मौजूदगी रही। नसिया जी परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दमो के नैमीनगर मंदिर में चातुर्मासरत आचार्य उदार सागर जी महाराज का जहां संघ सहित सानिध्य प्राप्त हुआ, वहीं सिंघई मंदिर में चातुर्मासरत आर्यरत्न मृदुमती माता जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। इधर इस अवसर पर विधायक अजय टंडन ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए नेहरू पार्क में मान स्तंभ निर्माण कराने की घोषणा की, जिससे समाज में हर्ष का माहौल देखने को मिला। करीब 2 घंटे तक नसिया जी परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जहां आचार्य श्री और आर्यिका श्री के प्रवचन का लाभ श्रावक जनों को मिला, वहीं वापसी में शोभा यात्रा अपने पारंपरिक मार्ग से रवाना होते हुए सिटी नल पहुंचकर संपन्न हुई।